वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल फ्रेंड्स, इतिहास की सबसे बड़ी बहाली बीपीएससी 70, 1900 प्लस सीट्स है ना, 1900 प्लस सीट्स। टाइम बचा है मात्र 50 से 55 दिन है ना, 50 to 55 days। 17 नवंबर को आपका प्रीलिम्स फिक्स हो चुका है। तो आपका जो सवाल है कि क्या इतने कम टाइम में प्रीलिम्स को निकाला जा सकता है, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। मार्केट में एक हवा बना हुआ है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स काफी टफ हो चुका है, यूपीएससी बन चुका है, इसमें उत्तर प्रदेश से बच्चे आएंगे, बिहार के बच्चे आएंगे, यूपीएससी के बच्चे आएंगे, फलाना ढिंकाना, ये बहुत टफ हो चुका है, ये अब बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत टाइम चाहिए। तो ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग में बहुत शक्ति होती है ना, प्लानिंग में बहुत शक्ति होती है, स्ट्रैटेजी में बहुत शक्ति होती है। अगर आप स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली मूव करेंगे तो प्रीलिम्स को इजीली निकाला जा सकता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स काफी टफ हो चुका है। सी, हम आपके लिए पूरे बीपीएससी के सिलेबस को हमने डिकोड किया है, सब कुछ ए टू जेड है ना, प्रीलिम्स को निकालने के लिए अगले 50 दिनों में। हाँ, बस आपसे एक चीज मांगता हूं, आपको अगले 50 दिनों तक खुद को झोंक देना होगा है ना। दिवाली, दशहरा, छठ, जो भी है, ये अगले साल फिर आएगा, लेकिन ये बीपीएससी के 1900 प्लस सीट्स अगले साल नहीं आएगी। तो यही मौका है कर्तव्य दिखाने का, यही मौका है खुद को प्रूफ करने का है ना, अपनी कॉन्फिडेंस को वापस पाने का, अपनी जिंदगी संवारने का। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, पूरा लग जाइए, हम आपके साथ हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपके बीपीएससी 70 के प्रीलिम्स को पास करने में काफी मददगार साबित होगा है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। कहते हैं अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन को जानना जरूरी है। बीपीएससी आपका दुश्मन है ना, इसको हमें हराना है तो हमें देखना है कि बीपीएससी के सिलेबस क्या है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना एक स्टूडेंट के लिए। तो सिलेबस क्या है, तो वही मोटा मोटी घिसा पीटा जनरल स्टडीज का सिलेबस है ना। इसमें क्या है, इसमें आपके वही साइंस है ना। इसमें एक चीज जो आपके एक्स्ट्रा है वो दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथ्स प्लस रीजनिंग। इसमें ज्योग्राफी है, बिहार के सब कुछ है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो बिहार जी के डोमिनेट करता है ना, बिहार जी के है इसमें, प्लस बिहार करंट है, प्लस नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, एंशियंट मिडिवल प्लस मॉडर्न, ज्योग्राफी है ना, इंडियन ज्योग्राफी और जनरल ज्योग्राफी में ये वर्ल्ड भी घुसेर देते हैं ना। तो ये आपका सब कुछ है, फिजिकल, इंडियन प्लस वर्ल्ड, तीनों मान के चलिए। हिस्ट्री में डोमिनेट क्या करता है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, एंशियंट मिडिवल भी है लेकिन थोड़ा कम है कंपेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री है ना। तो अगर हिस्ट्री का आपको टाइम कम बचा है, बस एक चीज पढ़ना है, तो मॉडर्न पढ़ के जाना है ना, एंशियंट मिडिवल छोड़ के जाना है ना, तो बाकी सब सेम ही है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी वही है जो भी आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा या फिर बीपीएससी आपको रटा चुका होगा। फाइन, तो ये सिलेबस हो गया। अब आपको ट्रेंड को देखना होगा कि बीपीएससी का ट्रेंड क्या है। तो पिछले 5 से 10 बीपीएससी जो भी हमने पूरा इसको अच्छे से स्ट्रैटेजिकली डिवाइड किया कि कहां पे अटैक करता है ना, आपको जड़ को पकड़ना है, अपने दुश्मन की कमजोरी को पकड़ना है। तो एक चीज आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि बीपीएससी कॉन्स्टेंट है, किसमें कॉन्स्टेंट है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। 10 10 10 10 10 ये लगातार 10 सवाल पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 10 सवाल पूछ रहा है। और आपके उसके बाद जिसके मेजर फोकस एरियाज क्या है, तो साइंस, हिस्ट्री और उसके बाद आपका क्या हो गया, बिहार और आपका करंट अफेयर्स है ना। बाकी जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी है तो इससे कम पूछता है, डायनेमिक है, मूव कर रहा है, लेकिन इन चारों पे इसका थ्रू आउट में तो कॉन्स्टेंट फोकस है ना, अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछ रहा है इन चारों टॉपिक्स पे। तो फाइन, ये आपका ट्रेंड एनालिसिस हो गया। अब उसके बाद 68 बीपीएससी का हम स्पेशल एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं से कहानी शुरू हुई बीपीएससी के नए इतिहास की। यहां से बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर बीपीएससी जो था कि मतलब हुआ बना हुआ था, एसएससी का एग्जाम बन चुका था, 117 कट ऑफ है ना, 115 कट ऑफ 150 में से है ना, 150 में से, ये मजाक बना दिया था बीपीएससी का। इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं था, सीधा इन्होंने नेगेटिव इंट्रोड्यूस किया 68 बीपीएससी से। उसके बाद बीपीएससी को इज्जत मिली है ना, बीपीएससी का एग्जाम काफी अच्छा बन चुका था, कट ऑफ नीचे जाने लगा है ना, ये स्टैंडर्ड एग्जाम बन गया बीपीएससी का। पहले ये काफी ज्यादा मतलब रट्टा माटा टाइप एग्जाम था, इसमें आप देखेंगे कट ऑफ काफी कम गया था नेगेटिव इंट्रोड्यूस होने के बाद, लेकिन इजी क्वेश्चन 60 थे और मॉडरेट 56 थे। दैट मींस कि 116 क्वेश्चंस आपके अभी भी है ना डुएबल थे है ना, हार्ट के पीछे आपने भागे और इसको मतलब इग्नोर किया, जिसने भी इग्नोर किया वो फेल हो गया 68 बीपीएससी में। अब 69 की बात करते हैं, यहां से बीपीएससी की दूसरी कहानी स्टार्ट हुई। इतिहास इसने लिखा, 5 ऑप्शंस की जगह इसने 4 ऑप्शंस कर दिए और 1/3 नेगेटिव भी कर दिया, 1/3 नेगेटिव तो 68 से इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब बीपीएससी का लेवल और ज्यादा अच्छा हो गया, ये यूपीएससी के टाइप का एग्जाम बन गया, दैट इज वाई ये टफ होता जा रहा है, क्योंकि इसमें यूपीएससी के बच्चे शामिल होते जा रहे। पहले वो इग्नोर करते क्योंकि रट्टा वाला एग्जाम था, यूपीएससी था एनालिटिकल एग्जाम, लेकिन अभी एनालिटिकल बन गया, सेम 4 ऑप्शंस, 1/3 नेगेटिव, यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न को इसने फॉलो कर लिया, तो यूपीएससी के बच्चे इसमें अटैक करने लगे, तो ये लेवल शूट कर गया इसका एग्जाम का है ना, स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो यहां से ये एसएससी टाइप का एग्जाम ना
हूं कि अब प्रॉपर ये सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन बन चुका है ना, प्रॉपर सिविल्स का एग्जाम बन गया ये। लेकिन यहां भी आप देखेंगे इसका कट ऑफ गया था 69 बीपीएससी का, कितना 91 मार्क्स है ना। ये 150 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, लेकिन फिर भी इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस कितने थे है ना, 108 के आसपास है ना, 108 क्वेश्चंस आपके इजी प्लस मॉडरेट थे। यहीं से आपका बेरा पार हो जाता कट ऑफ तो 91। लेकिन आपने क्या किया कि ओ माय गॉड बीपीएससी हवा बन गया है, यूपीएससी का एग्जाम्स हो गया, कोचिंग वाले ने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, आपके टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दिया, बीपीएससी को आपको डराया और आप इसके पीछे भागे, इसको इग्नोर किया और आप फेल कर गए है ना। तो ये गलती अब हम नहीं करेंगे। अब देखिए 69 का कट ऑफ कितना था, 91.67 हमने पहले ही बताया था आपको, तो ये कट ऑफ है, ये कोई काम की चीज नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा है ना। हमारा मेन 91 होता है और अपनी अपनी कैटेगरी का आप देख लीजिएगा है ना। ईडब्ल्यूएस का कितना 86.67 है ना, एससी का कितना था 75। तो ये आपका कट ऑफ का चार्ट है ना। अब देखिए एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर पूरा समरी कर दे, समराइज कर दे पिछले 10 सालों के बीपीएससी के पैटर्न को, तो एवरेज जो निकलता है ना, ये हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन का निकलता है, बिहार में 25 का निकलता है, मैथ्स 10 है ये तो फिक्स है एकदम है ना, साइंस टेक में 30 का निकलता है, करंट अफेयर्स में 25 का निकलता है, और जो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है यहाँ पे 12, 11 का निकलता है। तो इसको ये कॉन्स्टेंट हो गया है ना। तो दैट मींस कि हिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस, बिहार में 25 क्वेश्चंस, साइंस टेक में 30 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चंस। देख ये चारों मिलके अकेले मतलब नैया पार करने की शक्ति रखते हैं ना, और बैकअप में तो है आपके दो दो रीइंफोर्समेंट है, दो दो आपके पास लाइफ लाइन है केबीसी वाली है ना, एक मैथ्स और दूसरा पीईजी है ना, पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो फाइन आपके पास बैकअप सपोर्ट में कितने दो है ना, दो बैकअप है आपके पास अकेले, तो ये है ही चार सब्जेक्ट्स मिलके। आइए देखते हैं। अब देखिए बीपीएससी की पीवाईक्यू एनालिसिस 68 और 69 की जो हवा बना कि बीपीएससी एकदम मतलब यूपीएससी बन चुका है, वो कैसे बना, इन तीनों की वजह से बना है ना। 69 बीपीएससी से गेम चेंज हो गया, बीपीएससी का इतिहास लिख दिया बीपीएससी ने, अपने आप को यूपीएससी टाइप का बना लिया। 68 तो इसका फिर भी उसी टाइप का था ना, बस निगेटिव इंट्रोड्यूस किया था इसने, लेकिन 69 से इसने टू स्टेटमेंट है ना, कि मतलब एक क्वेश्चन और उसके दो स्टेटमेंट पूछेंगे, वन सही है कि टू सही है, दोनों सही है दोनों गलत है, इस टाइप के जो कि यूपीएससी का फेवरेट सवाल होता है, उसी तरह तीन स्टेटमेंट्स है ना, 1, 2, 3 है ना, तीन टाइप के स्टेटमेंट, एक आपका क्वेश्चन उसमें तीन स्टेटमेंट, वन सही है कि टू सही है कि थ्री सही है, ओनली ए ओनली बी या फिर ए बी सी ए बी करके इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, फिर फोर स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 ए बी सी सही है कि बी सी डी सही है, ये तीनों यूपीएससी का एकदम फेवरेट है, उसके हर क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं, और इसने कॉपी के कितने 24, 5 और 4 है ना, दैट मीन्स कि इसे मोटा मोटी 35 क्वेश्चन को यूपीएससी टाइप वाला इंक्लूड किया, और इसी 35 क्वेश्चन ने बीपीएससी का लेवल को बढ़ा दिया और बीपीएससी को बना दिया यूपीएससी का एग्जाम, और ये काफी एक मतलब एक फील तैयार हो गया कि बीपीएससी काफी टफ हो चुका है इसमें, मतलब अब आपको साधारण लूसेंट से काम नहीं चलेगा, क्राउन से काम नहीं चलेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, ये कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, दैट इज वाई इन तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की वजह से। लेकिन सिंगल चॉइस जो क्वेश्चंस थे वो अभी भी 105 पूछ रहा था बीपीएससी है ना, तो 105 तो अभी भी वो पुराने पैटर्न पे था, भले इसका लेवल था ठीक ठाक था, लेकिन सिंगल चॉइस क्वेश्चंस अभी भी थे, लेकिन इसको ग्लोरीफाई कर दिया गया है ना, 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, मार्केट में डर का माहौल बन गया और इसमें बीपीएससी हो गया बहुत बड़ी चीज है ना, कि यार बीपीएससी का एग्जाम है अब आसान नहीं रहा बीपीएससी है ना, बहुत सारे लोगों ने तो मैदान ही छोड़ दिया कि बीपीएससी हमारे बस की बात नहीं है। तो यहां पे आपने गलती कर दी, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस 11, ये आपका वही पुराना पैटर्न वाला था यार, एसेशन रीजनिंग, तो मिला के बनते आपके 150, तो दैट मींस कि 105 और 11 है ना, आप देख रहे हैं कि 115-16 क्वेश्चंस के पास अभी भी वो पुराने पैटर्न पे है, नया वाला यही पैटर्न है, 35-40 क्वेश्चन, अगर 50 भी पूछता है तो पूछने दो, 100 क्वेश्चन तो अभी भी आपके बीपीएससी पूरा नहीं है ना, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल बस है ना, और कुछ नहीं है। अब देखिए मेजर फोकस एरियाज, अगर आपको बीपीएससी निकालना है तो आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा, स्ट्रेटजिकली खेलना पड़ेगा, कारण क्योंकि इसमें एक से एक धुरंधर आएंगे, कंपटीशन तो है इसमें कोई शक नहीं, कंपटीशन है, लेकिन अगर आप एकदम फोकस्ड है अर्जुन के जैसा है ना, सी अर्जुन के जैसा अगर एकदम फोकस है, आपको अगले 50 दिनों तक कुछ नहीं दिखता है सिवाय बीपीएससी 70 के, तो इजी है आपके लिए निकालना है ना, आने दो जिसको भी आना है, एक से एक आने दो, सचिन को आने दो, सहवाग को आने दो, जिसको भी आने दो, आप अर्जुन है ना, यूपीएससी वाले को आने दो, बीपीएससी सेलेक्टेड को आने दो, यूपीपीसीएस वाले को आने दो, जेपीएससी वाले को आने दो, एमपीपीसीएस वाले को आने दो, आई डोंट केयर है ना, मैं अर्जुन हूं, मैंने फोकस किया है कि इस पे इन चार सब्जेक्ट्स पे, हिस्ट्री साइंस करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल है ना, ये चारों मिलके कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके है ना, 50 ये 75 105 क्वेश्चंस 105, मानता हूं कि 105 में से 105 कोई नहीं सही कर सकता है, लेकिन 70% तो इजीली किया जा सकता है ना, 70%। और बैकअप में आपके पास दो बैकअप है, वो बैकअप क्या है ना, वो बैकअप है पेग है ना, पेग सबको पसंद है, एक पेग डेली लगाना है, क्या पॉलिटी इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई भी एक पेग आपको डेली लगाना है ना, पॉलिटी
इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन तीनों को आप मिला दे तो आपके बन जाते हैं मोटा मोटी 35 क्वेश्चंस। ये आपका सेकंड बैकअप हो गया, वो जो 105-6 क्वेश्चंस था ना आपका, इसमें अगर आप थोड़ा सा कमी रह गया 105 क्वेश्चंस में थे तो ये आपको बैकअप देगा, ये पैग है ना। इसको आपको डेली तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पर आपको हम प्लान बताते हैं आगे। इसके अलावा क्या है जो 10 क्वेश्चंस का एक और जो बैकअप है आपका, दैट इज मैथ्स प्लस रीजनिंग है ना, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये आपका बैकअप है, ये थर्ड बैकअप है। अगर यहां से कट ऑफ पार नहीं हुआ आपका 35 में से, मान के चलो कि इसमें इजीली इसमें भी 60% सही किया जा सकता है, दैट मींस कि 15 से 18 क्वेश्चंस वो आपका बैकअप देगा आपको। फिर यहां पे 10 में से तो अगर आपको 8 तो लाना ही पड़ेगा यहां पे है ना, 8, तो ये आपका तीसरा बैकअप हो गया। अब सवाल ही नहीं कि आप पीटी फेल करोगे, पीटी पास करना ही करना है, तो आप कैसे मूव करेंगे है ना। मूव करने के लिए आपको आपको तीन टारगेट है आपको ए बी सी है ना, आपको दिन भर में तीन स्लॉट्स बनाने होंगे। आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है, फुल टाइम स्टूडेंट है, डजंट मैटर, आप तीन टाइम अपना स्लॉट निकाल लीजिए। पहले स्लॉट में आपको हिस्ट्री, साइंस और बिहार, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट को पढ़िए। हिस्ट्री सबसे बड़ा है तो इसको 15 दिन दे दीजिए, साइंस को दे दीजिए 10 दिन और बिहार को दे दीजिए 10 दिन है ना। तो 45 डेज आपके पास मोटा मोटी आज से दिन कितने बचे, 53 डेज है ना। ये 50 दिनों का पूरा प्लान हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा है ना, वहां से लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक आपको ये हो गया, दूसरा पैग, एक पैग आपको डेली लगाना है। पैग में से क्या हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी प्लस इको प्लस ज्योग्राफी, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है ना, 10-10 दिन तक है ना, कोई भी एक उठा लीजिए, तीनों में से एक एक लगाइए। और टारगेट सी जो आपको होता है करंट, ये सबसे शाम में, सबसे रात में सोने से पहले 1 घंटे डेली करंट अफेयर्स है ना, या आधे घंटे डेली कर, क्योंकि करंट रट्टा वाली चीज होती है ना, डेली डेली पढ़ना है। इसके लिए कि हम यूट्यूब पे बहुत अच्छी सीरीज भी लेकर आए करंट के लिए, अगर आप नहीं भी करेंगे तो वहां से आपका काम हो जाएगा। 1 अक्टूबर से हम यूट्यूब पे बहुत अच्छा एक डबल प्रहार टाइप की सीरीज लाएंगे, उसमें आपको 10 करंट प्लस 10 स्टैटिक के MCQs प्रैक्टिस कराएंगे। हाई लेवल करंट होगा, प्लस उसमें आपका सिंगल लाइन वन लाइनर टाइप भी होगा, मल्टीपल मतलब मिक्स टाइप होगा, मोर देन सफिशियंट होगा करंट के लिए। फाइन, तो ये आपका दिनचर्या होना चाहिए अगले 50 दिनों तक, एकदम दिवाली दशहरा सब कुछ भूल जाइए, घर परिवार सब है बेकार है ना। अभी आपका एग्जाम, आपको फोकस करना है बीपीएससी पे, एक बार निकल जाएगा ना मतलब बहुत मजा आने वाला है ना। आप समझे कितनी बड़ी मतलब वैकेंसी है, डीएसपी एसपी बन गए तो फिर लाइफ सेट हो जाएगी आपकी है ना, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो चाहोगे वो मतलब लाइफ में पा सकते हो उसके बाद, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। अब देखिए, 2 मस्ट हैव वेपन्स, इन दोनों के बिना आप बीपीएससी नहीं निकाल सकते हो, एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि मान के चलो कि 30 से 40 क्वेश्चंस ये हाई लेवल पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो क्या आपके पास समय है अब कि लक्ष्मीकांत पढ़ लें, जाके रमेश सिंह का इकोनॉमिक्स पढ़ लें, जीसी लियोन का ज्योग्राफी पढ़ लें, स्पेक्ट्रम का, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, इतना टाइम है आपके पास, 50 दिन है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, यू डोंट हैव टाइम एंड यू डोंट नीड टू स्टडी दिस ऑल थिंग्स है ना। मेरे अनुसार आपको एकदम वो सब चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम स्मार्ट लोग हैं ना, हम स्मार्टली खेलेंगे, स्ट्रेटेजिकली खेलेंगे, प्लान तरीके से आगे बढ़ेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम क्या करेंगे कम समय में, सी इस दुनिया में हर कुछ पॉसिबल है, हर तरह के लोगों ने किया, कुछ लोगों ने 50 बॉल पर भी सेंचुरी मारा है ना, मारा है 50 बॉल पर, कुछ लोगों ने 150 बॉल पर भी सेंचुरी मारा है ना। मार्केट में हर तरह के लोग, हर तरह के बैटिंग किया है लोगों ने है ना, कुछ उससे भी कम सेंचुरी मार दी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे अटैक करेंगे है ना। इसको अगर अटैक कर दिया तो फिर आपको बीपीएससी निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सीधा यूपीएससी से कॉपी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा कि यूपीएससी का डायरेक्ट पीवाईक्यूज को उठा रहे हैं ना, उसके मिलता जुलता क्वेश्चन से फिर एकदम सेम टू सेम उठा रहे हैं। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज मोस्ट मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसको आपको करना ही पड़ेगा पिछले 10 सालों का है ना, कुछ ना करो ना करो इसको जरूर करके, कोई कोचिंग का टेस्ट सीरीज नहीं देना, मॉक नहीं देना मत दो है ना, लेकिन यूपीएससी के पीवाईक्यू उसको करके जाना है। दूसरा बीपीएससी के पीवाईक्यू, इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। फाइन, ये दोनों एकदम कंपलसरी है, किताब मत पढ़ो लक्ष्मीकांत जी सब, लेकिन इसको करके जाओ, मॉक टेस्ट मत लगाओ कोचिंग का, लेकिन इसको करके जाओ, इसके बिना मतलब बहुत मुश्किल है। इसको कर लिया तो चांसेस आपके सीधा मतलब डबल हो जाएंगे पीटी पास करने के, जो यूपीएससी वाले जो बच्चे आएंगे ना दिल्ली से, सीधा आप उनको कम्पीट करने लगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लो, मैं चाहता हूँ कि वो जो अगर रिपीट करें ना बीपीएससी, या फिर उसी पैटर्न से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ दे, तो गलत नहीं होना चाहिए है ना। प्लस ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे ना कि उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ना, यूपीएससी का एक हम किताब बताएंगे आपको आगे, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए, तो क्वेश्चंस को देखना है, एक्सप्लेनेशंस को देखना है, आपके मल्टीपल एरियाज को आप टच कर दोगे है ना, जो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। यूपीएससी ऑलरेडी मतलब एक से एक धुरंधर उसमें क्वेश्चंस बनाते हैं है ना, तो उसने ऑलरेडी पूरा रिसर्च किया हुआ है, एक से एक टॉपिक्स को छुआ हुआ है, तो क्या जरूरत है आपको रिसर्च करने की, एनसीईआरटी 6-12 ये वो फलाना ढिंगाना सोर्सेज को फॉलो करने की, सीधा यूपीएससी ने ऑलरेडी रिसर्च के क्वेश्चन पूछ दिए, बीपीएससी सीधा उसी को अटैक करता है देख के है ना, किसके पास इतना टाइम। आप भी सीधा वही करिए, स्मार्टली खेलिए है ना, यूपीएससी के पीवाई उसको टच करिए, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको क्वेश्चन को पढ़िए, उसके सोल्यूशन को पढ़िए और एकदम रट जाइए है ना। आपको देखना बीपीएससी एकदम हलवा बन जाएगा आपके लिए, सेम बीपीएससी का भी करना है, इसके सोर्सेज आपको हम बताते हैं। अब देखिए, हमारे पास 2 सोर्सेज है, एक है पेड, एक है फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो पेड क्या होगा, हमारे बैच पे एप्लीकेशन बैच लॉन्च हो रहा है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम 2000 की बैच 1000 में दे रहे हैं है ना,
इसमें कूपन आपका वहां पे हो जाएगा, बीपीएससी 50 कूपन यूज कर लीजिएगा, है ना, बीपीएससी 50 ये कूपन यूज करेंगे आप तो आपको ये 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें हम आपको क्या देंगे, है ना, ऐप का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको हम क्या देंगे, बिहार जीके बिहार करंट की नोट्स देंगे, है ना, हमारी झारखंड जीके झारखंड करंट मार्केट की सबसे बेस्ट नोट्स थी। कम पेजेस में हमने बहुत सारे 80% हमारा हिट रेशियो था, है ना, बहुत खूबसूरत सा नोट्स था, स्टूडेंट फ्रेंडली, अट्रैक्टिव, है ना, टू द पॉइंट। तो ये आपको बिहार में भी हम बना रहे हैं, ये आपको कम मिलेगा एग्जाम से 20 दिन पहले आपको हम दे देंगे। और ये बिहार जीके का एक सीरीज हम लेकर आए हैं, इसमें डेली आपको नोट्स देंगे, प्लस इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एंशियंट मिडिल मॉडर्न की देंगे। ज्योग्राफी और साइंस में क्वेश्चंस लड़ाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें वो मतलब डायनेमिक टाइप के टॉपिक्स पूछते हैं ना ज्योग्राफी, तो वहां पे हम एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। और वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स, है ना, इसमें वीडियो जरूरी, क्योंकि बीपीएससी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम बन चुका है, एमसीक्यूज काफी जरूरी है, है ना, कुछ स्ट्रेटजिक नोट्स मिलेंगे आपको, प्लस आपको इस पर टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट, 7 से 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, है ना, पीडीएफ मोड मिलेगा आपको, एप्लीकेशन क्योंकि उसको डाउनलोड कर लेना, फिर आपको सॉल्व करना उसको। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए, इसमें हम वीडियोस में काफी कुछ डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। अब इसके अलावा जिसको मतलब सेल्फ स्टडी करना है, तो आपके सोर्सेस क्या होनी चाहिए, स्टैटिक के लिए एनसीईआरटी की सीरीज आई है, काफी अच्छी आ रही है। देखो हमने इसको पूरा पढ़ भी लिया आपके लिए, है ना, हमने ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा बना दिया, ये पूरा नोट्स हम आपके लिए लेकर आए थे, हमने इसको पूरा पढ़ा है पिछले 1 हफ्ते 10 दिनों में, एक एक पेज को पढ़ा है इसके, काफी शानदार है ये। सी अब बीपीएससी क्या हो गया है ना, कि लूसेंट और क्राउन, है ना, लूसेंट और क्राउन, है ना, इससे ऊपर जा चुका है, लेकिन लक्ष्मीकांत, जीसी लंग, जो यूपीएससी की मोटी मोटी किताबें हैं ना, स्पेक्ट्रम उससे नीचे है, है ना, तो बीच में क्या आता है, बीच में ये आती है ना, ये लूसेंट क्राउन से ऊपर है, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम से नीचे है, तो ये काफी है आपके लिए। इसके आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा यूपीएससी के पीवाईक्यू सर, ये दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है, मृणाल सर ने लिखा है, ये काफी अच्छा है, मतलब यूपीएससी के पीवाईक्यू के लिए, ऐसे तो घटना चक्र में भी रहती है, लेकिन यहाँ के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे मिल जाएंगे, आंसर ऑथेंटिक रहेंगे, तो इससे आप यूपीएससी के पीवाईक्यू करेंगे, बीपीएससी करेंगे, घटना चक्र की ये वाली किताब खरीद लेंगे मार्केट से, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। उसके अलावा ये दोनों आप कर लेंगे तो फिर आप घटना चक्र में से वैसे क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे यूपी पीसीएस के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, अगर कोई क्वेश्चंस आपको दिख गए सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो वहां से कर लेना। फाइन, ये नोट्स प्लस ये तीनों, ये आपके मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, है ना, तो नोट्स प्लस आपके यूपीएससी के पीवाईक्यूज और आपका बीपीएससी प्लस ये, है ना, कोर्स हमारा जो रहेगा इंग्लिश मीडियम में रहेगा पूरा। फाइन, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये नोट्स प्लस यूपीएससी के पीवाईक्यूज, बीपीएससी, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मतलब वन स्टॉप, मतलब इसके अलावा अगर आप कहीं दिमाग लगा रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ऐसे तो मार्केट में इंडलेस मटेरियल्स है, इंडलेस क्वेश्चंस है, इंडलेस सीरीज है, कोई अंत ही नहीं है ना, इनफाइनाइट है, कहां कहां जाएंगे आप, है ना, तो ये कर लीजिए, हमने काफी रिसर्च किया था उसको, आपको हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। अब देखिए करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए बिहार के लिए तो हमारा जो वन स्टॉप सॉल्यूशन ये लाइव 3 गुरुकुल का स्पेशल रहेगा बिहार के लिए, इसको कर लेना, इंग्लिश मीडियम में रहेगा ये, है ना। नेशनल इंटरनेशनल क्या करना पड़ेगा, स्पीडी और एडुटेरिया, इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि वन लाइनर को भी हम छोड़ नहीं सकते, इनका करंट का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया है ना, तो इन दोनों में से कोई एक, एडुटेरिया मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा बीपीएससी के लिए, क्योंकि उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है थोड़ा डिटेल में, ये थोड़ा पॉइंटर टाइप रहता है, तो इसको मैं मतलब उतना प्रेफर नहीं करूंगा बीपीएससी के लिए, एडुटेरिया ठीक है। प्लस आपको क्या करना है कि विजन के जो करंट अफेयर्स है ना मंथली वाले, उसमें से सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना है, अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे जो यूट्यूब पे जो सीरीज आएगी 1 अक्टूबर से डबल प्रहार नाम की, वो कर लेना, है ना, वहां पे हम डेली एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना, विजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। फाइन, या आपको खुद से करना है तो ये पीडीएफ इजिली अवेलेबल है यूट्यूब मतलब गूगल पे, वहां से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लगता है उसको देख लेना है, बाकी आप एडुटेरिया के साथ सप्लीमेंट करेंगे। करंट अफेयर्स का इनका क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं ना, लेवल बढ़ा दिया तो करंट में आपको विजन को टच करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फाइन, अब देखिए, अब प्रैक्टिस के लिए हमारी आपके एग्जाम से 30 दिन पहले एक मार्केट में एक हमारी बुक आएगी, है ना, बीपीएससी 70 के लिए, इसमें 16 प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे ओएमआर शीट्स के साथ, इसमें आपके 6 सेक्शनल रहेंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, काफी अच्छा होगा। इसमें हम 50:25:25 फॉर्मूला यूज करेंगे ना, 50% इजी क्वेश्चंस को देंगे, 25% मॉडरेट और 25% टफ क्वेश्चंस को देंगे विथ एक्सप्लेनेशंस ओएमआर शीट के साथ, इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इसको बना लेना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, काफी है। प्लस हमारे यूट्यूब के एमसीक्यू सीरीज को देख लेना, और जो हमारे पेड बैच के बचे वो तो हम एप्लीकेशन में बहुत सारे एमसीक्यूज कराएंगे, तो यही आपके लिए बीपीएससी, इसको ज्यादा हवा नहीं बनाते हैं, इसको कीप इट सिंपल, है ना, अभी भी पॉसिबल है, 50 डेज इज मोर देन एनफ, तो आपको बस ये थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा 50 दिनों तक, है ना, कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, हम आपके लिए वीडियो आपको देखने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना, हम आपके मोरल को अपलिफ्ट करने आए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने आए हैं, है ना, अभी भी पॉसिबल है, लग जाइए, देर मत करिए, स्टार्ट करिए, हमारा बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, जाके सीधा हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, ज्वाइन करिए, और कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे भी मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।